हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारे हॉस्पिटल्स है। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, यहाँ हॉस्पिटल में जो आते हैं उनका इलाज करते हैं, बिना रिश्तेदार उनको दाखिल करते हैं, रिश्तेदारों के समेत दाखिल करते और उनका इलाज करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ साइकियाट्रिक आस्पेक्ट्स ऑफ विटामिन B1 डिफिशेंसी। मतलब जो जीवन सत्व B1 जो है उसकी यदि कमतरता हो गई, अपने बॉडी में कमी हो गई, तो उससे मानसिक बीमारी क्या होती है या क्या क्या बीमारियां हो सकती है उसके बारे में। उसमें सबसे कॉमन जो है वो वर्निकेज एनकेफेलोपैथी, वर्निकेज एनकेफेलोपैथी। इसका कारण क्या है? एक तो शराब लेने वाले व्यक्ति में दिखाया जाता है, क्योंकि वो उनका जीवन सत्व कम हो जाते हैं उनके बॉडी में, तो शराब। फिर कैंसर के रुग्ण, इनमें दिखाया जाता है वर्निकेज एनकेफेलोपैथी। फिर बेरियाट्रिक सर्जरी, जिन्होंने वजन कम करने के लिए ऑपरेशन पेट का किया हुआ है उनके लिए। फिर जो भूखे हैं बहुत दिन से, है ना, भूख हड़ताल पे जो है वो लोग, जो भूखे हैं ऐसे वो लोग, जिनको खाना पीना बहुत दिन से मिला नहीं है, माल न्यूट्रिशन है वो। फिर पाचन संस्था की जिनको कोई बीमारी होंगे तो वो लोग, तो ऐसे ये लोगों में ये वर्निकेज एनकेफेलोपैथी नाम की बीमारी दिखाई देती है। इसमें तीन प्रमुख लक्षण है। एक है आई साइंस। आई साइंस मतलब आय में, मतलब आँखों में क्या होता है कि ये जो बाहुली रहती है ना अंदर, तो वो जो है बाहुली वो ऐसा 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 हिलते रहती है, निस्टैमस होते रहता है, स्थिर नहीं रहती। और कभी कभी एक साइड में पैरालिसिस हो जाता है, एक साइड में आँख घूमती नहीं है। तो काफ़ी सारे ऑक्यूलर साइंस ऐसे होते हैं। फिर दूसरा होता है सेरेबेलर साइंस। सेरेबेलर साइंस मतलब चलने में अपना बैलेंस चले जाना, ऐसा लगता है कि ये गिर जाएगा, ऐसा हाथ को ग्लास पकड़ेगा तो ग्लास की तरफ हाथ जाएगा ना, ऐसा ऐसा जाएगा, फिर ऐसा कर लेगा अगर, मतलब ऐसा कुछ पकड़ेगा तो इधर चले जाएगा, या चलने में ऐसा लगता है कि ये गिर जाएगा, तो वो ब्रेन डिसफंक्शन से होता है, सेरेबेलर डिसफंक्शन से। फिर कुछ लोगों को फ्रंटल लोब सिंड्रोम जैसे होते, मतलब उनका प्लानिंग बराबर नहीं होता, थिंकिंग बराबर नहीं होता, वर्निकेज एनकेफेलोपैथी में सोच नहीं सकते वो, प्लान नहीं कर सकते कैसा काम करना हो। उनमें मेमोरी लॉस होता है, मतलब याददाश्त निकल जाती है। फिर उनको भ्रम होता है, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, उसका डिसओरिएंटेशन होता है कि उनको मालूम ही नहीं पड़ता अपन कहाँ हैं। भ्रम होते जाता है, कोई आसपास में है या नहीं है, उनको लगता कंफ्यूज रहते हैं, है ना, ऐसा झुंझला सा दिखता है, धुंधला सा दिखाई देता है, कुछ समझ में नहीं आता अपन कहाँ हैं कहाँ नहीं। तो ये लोग वातावरण अनुकूल उनको ऐसा लगता है कि नहीं है अपने लिए, और डिसओरिएंटेशन हो जाता है कि अपन कहाँ हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ता। अब ये जो है ये पूरा विटामिन B1 डिफिशियंसी का खेल है, और ये लोगों में विटामिन B1 डिफिशियंसी यदि वो टेस्ट कर लिया तो बहुत ही अच्छा है, ना टेस्ट करते हैं तो थायमिन जो है इंजेक्शन, वो यदि इंट्रावेनस थायमिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं या ओरली मुँह से थायमिन देते हैं तो ये जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। जो लोग बेरियाट्रिक्स मतलब पेट की सर्जरी, वजन कम करने के लिए पेट की सर्जरी है, या जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, वो लोगों को B1 वैसे ही चालू कर दिया बिना कुछ प्रॉब्लम, तभी अच्छा है, ताकि उनको B1 डिफिशियंसी आएंगी नहीं। ज़्यादा हम जो ज़्यादा फेस करते हैं प्रॉब्लम वो है अल्कोहल का, क्योंकि हमारे यहाँ वो पेशेंट बहुत आते हैं, और शराब के वजह से उनको B1 डिफिशियंसी हो जाती है। हम सीधा उनको थायमिन इंजेक्शन देते अच्छे हो जाते हो। तो यह साइकेट्रिक आस्पेक्ट्स ऑफ B1 डिफिशियंसी में वर्निकेज एनकेफेलोपैथी। बाकी भी मैं और B1 डिफिशियंसी के जो बीमारियां हैं उसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब करो, आपके सभी ग्रुप के ऊपर शेयर करो, लाइक करो, और जो बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि हम जो वीडियो देते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।